वाला घट के हॉरर पेश करूंगा 27 आवाजों का तो इस तरह के जादू के बाद, लेकिन उससे पहले डिस्कवरी चैनल चल रहा है, सही बजा ध्यान दीजिएगा। और कैसे किस तरीके से चलता है, कैसे फोटो होते हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, देखे ध्यान दीजिएगा उसमें सारी चीजें। स्टार्ट उसका जहाज धीरे धीरे चला जा रहा था और हम समुद्र के करीब हैं। तभी मुझे वहां से कुछ आवाजें आती हैं। हमें बचाइए, क्यों नहीं हमारी मदद कीजिए, ऐसा लग रहा है कि मैं पानी के अंदर जा रही हूँ। हम देखते ही देखते उस समुद्र के जहाज के पास पहुँचते हैं। तभी वहां पर कुछ लोग मौजूद होते हैं और मैं बहुत घबरा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि आज हमारी मौत निश्चित है। हाँ अश्विन, हमें लग रहा था कि हम बिल्कुल बच नहीं पाएंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मौत बिल्कुल दूर हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अब हम बचने वाले। हाँ ऐसा लगता है कि हम बचेंगे। हाँ, अब जाना होगा। नेशनल ज्योग्राफिक पर एक अनोखा प्रोग्राम जिसे पेश कर रहे थे रोसी अंसारी। इसके बाद आपको दिखाएंगे कैसे हॉरर में आवाजें निकलती हैं हमारे बीच। हमारे
थैंक यू। सही भाई थोड़ा सा शॉर्ट में सुनाते हैं, एक सीरियल का सुना दे रहा है जो आता है, सीरियल का सुना दे रहा है शॉर्ट में। हाँ पिछली बार वाला नहीं। और इसके बाद मिले सुर मेरा तुम्हारा भी सुनाऊंगा, कितनी भाषाएं हैं उसमें, सब हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड प्रोग्राम है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए, तो फीमेल का थोड़ा सा जरूर सुनाऊंगा। शुक्रिया रजी भाई। दोस्तों पिछली साल भी हमारे सईद भाई हमारे दोस्त के इनविटेशन पर हम आए थे और आपके सामने कुछ जादू के प्रोग्राम प्रेजेंट किए थे। इस बार भी फिर इन्होंने मौका दिया आप लोगों के सामने ये प्रोग्राम को प्रेजेंट करने का। जो लोग पीछे बैठे हैं उस लोगों से गुजारिश है कि वो लोग अपनी सीट पर बैठ जाएं और काफी बाद में भी पी सकते हैं, क्योंकि मैजिक गाना तो आप दूर से सुन सकते हैं, मैजिक जब तक बैठेंगे नहीं जब तक दिखाई नहीं देगा, और उसके अलावा जो मैजिक का आइटम गुजर जाएगा वो दोबारा नहीं होगा। इसलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको इंट्रोडक्शन दे दें कि हमारे लेफ्ट साइड में ये जूनियर म्यूजिशियन मिस्टर रजनीश त्रिवेदी, जो कि हमारे दोस्त भी हैं, हमारी एज के भी हैं, इनको भी इनवाइट किया था सईद भाई ने, और ये हमारे साथ मैजिक में सपोर्ट करते हैं जब कहीं बाहर प्रोग्राम करने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जादू होता क्या है। जादू हाथ की सफाई नजर का खेल होता है, कला और विज्ञान का मिश्रण। मैजिक इज अ गेम ऑफ सस्पेंस, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम एक जादू की छड़ी बनाएंगे, उससे हम सभी लोगों को हिप्नोटाइज कर देंगे यानी सम्मोहित कर देंगे। सम्मोहन के बाद हमारा नॉन स्टॉप मैजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ यानी म्यूजिक के साथ स्टार्ट होगा। आप लोग अभी इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम देख रहे थे और ताली बजाने में कंजूसी कर रहे थे, हमारे प्रोग्राम में ऐसा नहीं है। हमारे प्रोग्राम में चूंकि सस्पेंस का खेल है, आप लोगों से ताली बजाने को नहीं कहा जाएगा, आपको खुद ही तालियां बजाना पड़ेंगी। और दोस्तों ये जान लीजिए कि अगर ताली आपने नहीं बजाई और आप मैजिक अच्छा लगा तो एक वार्निंग मैं दे रहा हूं कि आपकी थोड़ी देर के लिए याददाश्त कम हो सकती है, क्योंकि मैजिक का खेल है और अगर ताली बजाई तो आपकी याददाश्त वैसे ही बनी रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक जादू की छड़ी बनाएंगे और जादू की छड़ी से आप लोगों को हिप्नोटाइज करेंगे यानी सम्मोहन में लेंगे, उसके बाद हम एक पर एक मैजिक के खेल दिखाते चले जाएंगे और आपसे ताली बजाने को नहीं कहेंगे। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो मत ताली बजाइएगा और अच्छा लगे तो बिना कहे ताली बजाइएगा। तो नाउ लेट मी स्टार्ट मैजिक, प्लीज स्टार्ट म्यूजिक। Music.
Magic.
तालियों से महसूस हुआ कि ये हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा। अब लास्ट में एक 5 मिनट का एक एंटरटेनमेंट आप लोगों को कराते हैं, और हमारे साथ हमारे छोटे मियाँ यानी कि मिस्टर रजनीश त्रिवेदी मंच पर हैं। हमारा इनका प्रोग्राम 5 मिनट का और है, उसके बाद फिर आगे बहुत अच्छे प्रोग्राम हमारे रजनीश भाई लेकर आए हैं और कुछ बच्चे और हमारे कलाकार। दोस्तों एक बात बता दूं कि एक शेर याद आ रही है शाहजहांपुर की धरती के कलाकारों के लिए कि गीत गजल चौपाई छंद मल्हार न होते तो ये दुनिया कितनी सोनी होती, हम फनकार न होते तो। वो भले हम जादू आर्ट से हैं, कोई सिंगिंग से है, कोई डांसिंग से है, कोई मिमिक्री से है, तरह तरह की आर्ट लोग प्रेजेंट करते हैं एक आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। तो दोस्तों इसके बाद हमारा एक छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाला एक प्रोग्राम होगा। हमें 2 छोटे छोटे रुपट्टे चाहिए हैं, 2 छोटे छोटे रुपट्टे हैं। यस, नेक्स्ट इसका म्यूजिक लगा दीजिए। Yeah.
मौला 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 मौला, 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 म
जो कि एक बेचारा बहुत परेशान है अपनी जिंदगी से, उसके सामने कैसी कैसी चीजें आती हैं, उसको हर तरफ से मौत दिख रही है। आप लोग इस चीज को गौर से सुनिएगा, ऐसा लगेगा लाइव चल रहा है। कभी उसके ऊपर से एरोप्लेन निकल रहा है, कभी ट्रेन निकल रही है, कभी कुत्ते की आवाज आ रही है, कभी बिल्ली की आ रही है, कभी मुर्गी की। तो अपनी जान बचाने के लिए ना जाने बेचारा क्या क्या कर रहा है, ठीक है। इसका थोड़ा सा बेस बढ़ा दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। उससे पहले हमारे बीच अगर फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार मिस्टर शाहरुख खान साहब होते तो वो सईद भाई की किस तरीके से स्वागत करते। मिस्टर शाहरुख खान साहब अरे अरे जानते हो कैसे बातें करते हो, एक तरफ तो कहते हो कि प्रोग्राम और दूसरी तरफ कहते हो कि खाना आराम सिमरन ये प्रोग्राम तो बहुत ही रहा। मैं पहले ही कहता था सिमरन से कहते हो नंदू मैं नहीं खाना नहीं मानती हूँ अगली बार, अरे अगली बार तुम देखना हाँ सिमरन ये दीवाना जरूर आगे जाएगा सिमरन। थैंक यू मिस्टर अमरेश पुरी साहब होते तो मैं कैसे स्वागत करते हैं आपका मिस्टर अमरेश पुरी साहब। अरे भाई सईद भाई हम तो आपके फैन हो गए हैं इंशाल्लाह अगली बार आपका प्रोग्राम और भी बेहतर होगा जैसे कि मैंने सुना था वैसा ही पाया जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अच्छा इसी पे एक चीज याद आई, आप लोग देते रहिए इसी पे एक चीज याद आई, काजोल काजोल शाहरुख खान के पीछे भाग रही है और जो लेडीज बैठी हुई है पता क्या कह रही है, ट्रेन के अंदर शाहरुख खान हाथ दे रही हूँ करके, और जो औरतें बैठी हुई मूवी देख रही है ताकि पता क्या करी है, या अल्लाह इसका हाथ इसके हाथ में आ जाए, या अल्लाह काजोल का हाथ शाहरुख के हाथ में आ जाए, 5 रुपए नियाज कराऊंगी इसका हाथ आ जाए, इसका हाथ में गिर ना जाए ट्रेन से, है अल्लाह ट्रेन का पकड़ लिया चलेगी बेचारी। हॉरर पेश करते हैं, हॉरर में एक लड़का बेचारा बहुत ही फंस गया है बेचारा मुश्किल से, बहुत गौर से देखिएगा, काफी फीलिंग्स महसूस करिएगा और अच्छा लगे ताली जरूर बजाइएगा। देखिएगा जंगल में फंस गया है, स्टार्टिंग न जाने मेरी जिंदगी कहाँ खो गई, ऐसा लगता है कि मौत के बहुत ही करीब आ चुका हूँ, आसपास मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ऐसा लगता है कि मौत निश्चित है। तभी मेरे ऊपर से एक प्लेन की गुजर होती है, प्लेन जाता है, मैं प्लेन को देखता हूँ लेकिन काफी तेज होता है, मैंने सोचा शायद मैं इससे अपनी जान की हेल्प मार सकता हूँ। तभी दूर एक पहाड़ के पास एक ट्रेन की आवाज आती है, मैं दौड़कर भागता हूँ, मैं पहुंचने की कोशिश करता हूँ, ट्रेन काफी तेजी से ऊपर से निकलती चली जाती है, मैं मायूस मैं लौट कर आया, ट्रेन निकल गई, आसपास कोई भी नहीं, परी वीराने में मुझे एक कुत्ते की आवाज आती है, मेरे माथे से पसीना छूट रहा था, मैं अपनी मौत को याद कर रहा था, मैं मौत से पहले अपनी माँ को याद कर रहा था, मुझे माँ ए माँ मेरी जिंदगी का क्या होगा, कैसे बचेगी मेरी जान। तभी एक दीवार पर एक बिल्ली के पीछे एक मुर्गी बैठी है, उसके पीछे बिल्ली ने आवाज दी मियाओ, बिल्ली काफी चालाक थी और मुर्गी उसकी जान बचाने के लिए भागती है, मैंने सोचा यहाँ तो मुर्गी अपनी जान बचाने के तुरी है, मैं किस तरीके से जान बचाऊंगा। थोड़ी देर बाद वहां पर जंगल में जैसे आगे बढ़ता हूँ एकदम से आवाज आती है मुझे तेरा ही इंतजार था, मैं मायूस हो गया था, मैं काफी थक सा गया था, ऐसा लग रहा था मौत मेरे बहुत करीब है, मैं मौत को बहुत करीब से देख रहा था। तभी उसकी हंसी और तेजी से बढ़ती चली जा रही है नहीं बचेगा, मैंने तेरे भाई सोनू को भी मारा था, सोनू को तो उसने मारा था, मैं तो सोनू का बदला लेने सोच रहा था, मेरे पाप भी बदला नहीं ले पाएंगे, ये कैसी पुतनी है जो मेरे पूरे खानदान को तबाह कर रही है तेरे सोनू ने मुझसे मोहब्बत की थी, जानता है उसने उसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर शालिनी से शादी की थी, आज मैं भूतनी स्मार्ट बन गई हूँ
नहीं बचेगा। मैं बहुत हाँ रहा था, मैं सोच रहा था कि अब तो बिल्कुल मौत करीब है। तभी मुझे कुछ दूर बस्ती में एक गाने बजाने की आवाज आती है। मैं सोचता हूँ शायद इनसे मदद लूं, लेकिन वो पहाड़ी के उस पार थे। मैंने एक आदमी से पूछा, भाई साहब यहाँ पर जाने के रास्ता कुछ मिलेगी? अचानक से वो आदमी मुझसे बोलता है, यहाँ से रास खोला तो मार दूंगी। वो आदमी अचानक से गिर पड़ता है। मैं देखते काफी मायूस हो जाता हूँ। वो आदमी पूरी तरीके से नीचे गिर गया है। यहाँ पर अजान का खुलासा हुआ थोड़ी देर बाद।